डी ए स्टूडेंट्स असलकम दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ आर लेक्चर ऑन क्रिएटिंग अ क्रेडिट मेमो विच इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू एन एन वॉयस जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी ये देखा है और लेसेंस में हमें चेक करते रहें कि हम ऐसा क्रेडिट मेमो भी बना सकते हैं जिसमें हम एक अमाउंट जो हमारे कस्टमर या क्लाइंट के साथ डिसाइड कर ली है उसका हम एक ब्लैंकेट डिस्काउंट या रिफंड हम उसको दे दें ये डिस्काउंट या रिफंड हम उसके आने वाले ट्रांज़ेक्शन में भी एडजस्ट कर सकते हैं उसको कैश या चेक की सूरत में भी दे सकते हैं या हम इन्वाइस जो अभी उसकी पेंडिंग पड़ी हैं, उसके अंदर भी जाके इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे और हमारे कस्टमर के आपस के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या जो बातचीत चली है उसके नतीजे में क्या फैसला होता है और ये एक आम बिज़नेस ट्रांजैक्शन है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आम तौर पर नहीं होती ये होती रहती है और जब भी एडजस्टमेंट मिलता है हम पूरा बेनिफिट अपने कस्टमर को या क्लाइंट को देते हैं इसकी मिसाल ऐसे है कि बिजली वाली कंपनीज़ जब कोई रेट कम होता है बैक डेट से तो वो अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स को अगले सब्सिक्वेंट बिल्स में उतना रिफंड कर देती हैं तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई अजीब सी बात नहीं है या नॉर्मल प्रैक्टिस में ना होने वाली बात नहीं है हमेशा हम अपने कस्टमर्स को और क्लाइंट को खुश रखने के लिए उनके साथ एंगेज करते हैं उनसे बातचीत करते हैं और वेनएवर पॉसिबल हम उनको किसी किस्म का रिफंड हम अपने क्लाइंट या कस्टमर को देते हैं जो कि हमारे और उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फाइनलाइज हुआ होता है पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमने अपने कस्टमर को जो रिफ़ंड दिया है वो हमने अपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी एडजस्ट सब्सिक्वेंटली जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसके साथ उसमें हम उसको एडजस्ट करते चले जाएंगे अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर हमें उसे कोई कैश या चेक की सूरत में रिफ़ंड देना हो एज़ पर आर डिस्कशन और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर उसकी इन्वाइस हमारे पास पेंडिंग है तो ये रिफंड जो है हम उस इनवाइसिस में एडजस्ट कर लें कैसे होगा क्विक बुक्स में लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी हमने रिफंड क्रेडिट मेमो बनाना है हमने होम पेज पे आना और हमने जो आइकॉन ढूंढना है वो है रिफंड या क्रेडिट्स का लेट्स क्लिक ऑन दिस वन क्योंकि हम ये अनलिंक्ड क्रेडिट मेमो बना रहे हैं विच वी कैन इफ यू वॉन्ट टू लिंक विद एनवॉयस वेन एवर वी वॉन्ट टू बट दिस इज एन अनलिंक्ड क्रेडिट मेमो एट द मोमेंट अभी हमने एक अमाउंट फ़ाइनलाइज की है और उसी का हमने अपने क्लाइंट या कस्टमर को क्रेडिट देना है क्रेडिट मेमो बन चुका है अब हम एक क्रेडिट मेमो बना के हम देखते हैं कि उसका हमने रिफंड कैसे देना है क्योंकि पिछले जो आपने क्रेडिट मेमो देखे पिछले जो आपने क्रेडिट मेमो बनाए थे उसमें हम एक इन्वॉइस के साथ लिंक होते थे और जैसे ही वो क्रेडिट मेमो क्रिएट होता था सारी इन्फॉर्मेशन उठ के हमारे इस क्रेडिट मेमो में आ जाती थी जिसमें तमाम आइटम्स कस्टमर क्वांटिटी, रेट तमाम चीज़ें लिखी होती थी लेकिन क्योंकि हम ये स्क्रैच से बना रहे हैं इसलिए यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ हमें सबसे पहले चूज़ करना है अपना कस्टमर और उस कस्टमर को देखते हुए हमने अपना डिसाइड करना है कि हमने उसे किस किस चीज़ में क्रेडिट देना है और कितना क्रेडिट देना है अमाउंट ये दोनों चीज़ें जब हम, हम फाइनलाइज कर लेंगे तो हम यहाँ वो आइटम डालते हैं जिसपे हम उसे क्रेडिट दे रहे हैं जो हमने उसे क्रेडिट देना है वो हमने डिसाइड कर लिया है अमाउंट हमने डिसाइड कर लिया है और अब हम इसको इन्वोक करना चाह रहे हैं दिस इज द क्रेडिट मेमो विच वी आर गोइंग टू रिफंड इन कैश और चेक इवन ऑनलाइन पेमेंट टू आर कस्टमर जब हमने डिसाइड कर लिया है और हमने इसे क्रेडिट देने ही देना है तो हम इसे सेव करेंगे पिछले केस में हमने किया था रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट यानी टू बी एडजस्टड इन सबसिक्वेंट ट्रांजेक्शन बट इन दिस केस वी आर गिविंग अ फिजिकल रिफंड इसका मतलब ये है कि हम उसे पैसे किसी न किसी सूरत में कैश या चेक या ऑनलाइन पेमेंट की सूरत में करना चाह रहे हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके कस्टमर का नाम अमाउंट किस टाइप की आपने पेमेंट करनी है वो अकाउंट जहाँ से ही जानी है और बाकी तमाम की तमाम डिटेल सामने आ जाएंगी चाहें तो आप इसमें रिफंड के रीज़न भी लिख सकते हैं और जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी उसी वक्त इन हो जाएगी आइए देखते हैं कि अगर हम इसका चेक प्रिंट करना चाहें तो क्या होगा हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन बना दी है और हम इसका चेक उसे कहते हैं कि इसका बना दो अब हमें चेक करना है कि इसका चेक बना है या नहीं और इसी अमाउंट का बना है या नहीं तो हम चल के देखते हैं अपने चेक में चेक जैसे आपको पहले पता है कि हमारे होम पेज पर पे प्रिंट चेक्स में आपको वो लिस्ट नज़र आ जाएगी जो चेक्स हमारे पास पड़े हुए हैं ये जो चेक हमने बनाया है आज की तारीख में ये है हमारे इस क्लाइंट के लिए और इसी अमाउंट का था जब हम किसी चेक को प्रिंट करना शुरू करते हैं तो हमें उसको टिक मार्क करना पड़ता है और जिनको नहीं कर रहे उनको हमने ऑफ कर दिया है हमें सिर्फ ये वाला चेक प्रिंट करना है इसलिए टिक मार्क हमारा इसके साथ लगा हुआ है हम चेक नंबर चेक कर लें और ये देख लें कि बैंक अकाउंट से ही जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था उधर उसी से ये इश्यू होने वाला है जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी उसकी प्रिंटिंग की डिटेल आ जाएगी हम इसे कहते हैं कि प्रिंट क्या हमसे पूछ रहा है कि क्या आपका प्रिंट करेक्टली प्रिंट हो गया है अगर हो गया है तो हम कहेंगे यस ओके और अगर हमारे पास ये चेक सही से प्रिंट नहीं हुआ है तो हम यहाँ वंस अगेन एक टिक मार्क लगाएंगे और रीप्रिंट कर देंगे अब ये हमारे ऊपर है कि हम पहले चेक चेक कर लें आमतौर पर जब हम चेक प्रिंटिंग करते हैं तो हमें बड़ा प्रिसाइसली उस चेक को वहां फिट करना होता है और अगर आप फिट नहीं करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाता है इसलिए यह हमसे ऑप्शन पूछता रहता है कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर चेक इफ नॉट यू कैन रीप्रिंट नहीं तो आपको ये खुद ब खुद बार बार आके यहाँ से प्रिंट करवाना पड़ता है ये इसकी एक फैसिलिटी मौजूद है इन दिस केस सिंस द चेक हैज बीन प्रिंटेड करेक्टली वी डू नॉट नीड टू रिप्रिंट इट हमने कहना है कि जी हाँ हमारा ये चेक करेक्टली प्रिंट हो गया है okay, ओके इसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमारे पास अब आ गया हमने ये चेक प्रिंट कर दिया है और हमने अब फिजिकली इतनी अमाउंट अपने क्लाइंट या कस्टमर को रिफंड कर दी अब तीसरे केस में हम ये देखते हैं कि हमने ये रिफंड किया है और ये अमाउंट हमने एडजस्ट करनी है अपने किसी ना किसी इन के साथ वो कैसे हो सकता है वंस अगेन गो टू रिफंड एंड क्रेडिट्स चूज एंड सेलेक्ट योर कस्टमर चूज द आइटम विच यू आर गोइंग टू रिफंड जब आपने इसकी अमाउंट बना ली तो हम इसको सेव कर देंगे इसका नंबर है वन वन टू एट सेव एंड क्लोज वी हैव क्रिएटेड अ क्रेडिट मेमो विच वी आर गोइंग टू सेव एंड वेन वी सेव दिस वी आर गोइंग टू से अप्लाई टू एन इन वॉयस अब ये इन वॉयस के ऊपर जाके असर करेगा हमारे पास एक इन्वाइस मौजूद है जो कि दस हज़ार रुपये की या डॉलर्स की है इसके ऊपर जब हम एडजस्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा अमाउंट एडजस्ट नहीं हो पाएगी हमने उसे क्रेडिट दिया है तीन लाख इक्यावन हज़ार तीन लाख इक्यावन हज़ार का यानी थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड का जो इन्वाइस हमारे पास मौजूद है वो सिर्फ दस हज़ार रुपये की है और जब हमारे पास ये इन्वास मौजूद है तो इसमें से हम मैक्सिमम जो एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो है दस हजार की हम एक और अपना कस्टमर चूज करते हैं और उसके ऊपर यह चीज बना के देखते हैं कि यह एप्लीकेबल कैसे होगी अप्लाई टू एन इन इनवॉइस अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट इस क्रेडिट मेमो की है वो हमें नजर आ रही है फिलहाल तो सारे हमारे टिक मार्क हुए हुए थे हमारे पास जो अमाउंट है वो है तीन लाख चौदह हजार चार सौ की यह हम अपने इन में से किसी भी इन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं लेकिन अगर आप अमाउंट्स देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें यह तमाम अमाउंट्स एक साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगी इन सच ए केस वॉट वी कैन डू इज वी कैन एडजस्ट इट दिस अमाउंट इन मोर देन वन इन्वायॉयस वो कैसे होगा ज़रा नोट करते हैं अच्छा इसमें हमारी ओरिजिनल अमाउंट है तीन लाख चौदह हज़ार जो हमारी पहली इन्वायॉइस है वो है पंद्रह हज़ार सात सौ बीस हमने इसमें पूरी एडजस्टमेंट डाल दी इस इन्वॉइस के अब हम, हम कोई पैसे नहीं लेंगे हम पूरे पंद्रह हजार सात सौ बीस अपनी पूरी अमाउंट तीन लाख चौदह हजार में एडजस्ट करवाना चाहते हैं जैसे ही हमने यहाँ टिक मार्क किया आपकी रिमेनिंग क्रेडिट जो तीन लाख चौदह हजार चार सौ से पंद्रह हजार सात सौ बीस रुपए घट के जो अमाउंट आ गई वो हमें यहाँ नजर आ रही है जो अगली हमारी इन्वाइस थी हम उसमें भी कुछ एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं जैसे ही हमने उसको टिक मार्क किया तो मज़ीद दस हजार अमाउंट से हमारी रिमेनिंग क्रेडिट लिमिट एडजस्ट होगी इधर देखें एडजस्ट किस तरीके से हो रहा है तीसरी जो हमारी इन है उसकी अमाउंट है एट्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेकिन हमारा रिमेनिंग क्रेडिट उससे कहीं ज्यादा है तो हम जब इसको भी चूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एट्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड भी एडजस्ट हो गया है उस अमाउंट से आप दो चीजें नोट करते जाए एक तो हमारे इन के नंबर एक हजार एक सौ ग्यारह एक हजार एक सौ पंद्रह एक हजार एक सौ उन्नीस ये तमाम के तमाम एडजस्ट हो रहे हैं नंबर वन और अभी भी हमारे पास रिमेनिंग क्रेडिट मौजूद है ये रिमेनिंग क्रेडिट कहाँ एडजस्ट होगा ये जो हमारी फाइनल इन्वास है उसमें हम इसको एडजस्ट कर लेंगे जो अमाउंट बच गई थी वो ऑटोमेटिकली इस फाइनल हमारी इन्वाइस से निकल जाएगी और हमारे पास जो हमने उसको डिस्काउंट या फेवर दी थी वो तमाम सब्सिक्वेंट इन्वाइस में हमने एडजस्ट कर ली है ये वो तरीका है जिससे हम ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीक़ा ये है कि हम इन में जाएं और उस कस्टमर की इन वॉइस पर आएँ यही काम हम करें अपने बटन से जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से एक है जिसका नाम है अप्लाई क्रेडिट्स क्रेडिट्स हमारे पास मौजूद है और वो हम यहाँ उठा के ले आए हैं और हमारे पास ये तमाम डिटेल मौजूद हैं जो काम हमने वहाँ से किया था वही हम तमाम का तमाम सब्सिक्वेंटली इधर से भी कर सकते हैं हमने पूरी की पूरी अमाउंट इन तीन जगह से एडजस्ट करवा दी तो आप एक ही काम डायरेक्ट क्रेडिट मेमो से भी जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं दूसरा आप उस पर्टिकुलर कस्टमर या क्लाइंट के इनवाइस में जाके अप्लाई क्रेडिट्स के थ्रू भी ये तमाम चीज़ें उसकी ओपन इन्वाइसिस के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं जब भी आप ये एडजस्टमेंट करवाएंगे तो उसका अफेक्ट आपको फौरन नीचे नजर आ जाएगा जितनी जितनी हमने एडजस्टमेंट करवाई हैं वो सारी की सारी हमें अवेलेबल हो जाएंगी और ये जितनी भी हमने उसे क्रेडिट दिया था डिस्काउंट दिया था वो हमारी इन में कवर हो जाएगा और अगर बच गया तो हम वो सब्सिक्वेंट आने वाली ट्रांजेक्शन में कवर कर लेंगे सो नाउ यू नो हाउ टू कवर द डिस्काउंट दैट वी प्रोवाइड टू आर कस्टमर्स अगर हमने कोई बड़ा उसे डिस्काउंट दिया हुआ है जो किसी एक इन्वाइस से लिंक नहीं है बल्कि हमारे तमाम बिजनेस डील से लिंक्ड है तो हम उसको एक दफ़ा एडजस्ट करवा सकते हैं सबसे आने वाली इन्वासेज में एडजस्ट करवा सकते हैं कैश पेमेंट उसे कर सकते हैं और उस वक्त जितनी इन्वासेस हमारे पास ओपन पड़ी हुई हैं हम वो अमाउंट उनमें से भी एडजस्ट कर सकते हैं ये सारी फैसिलिटी हमारे पास क्विक बुक्स में मौजूद है नंबर एक नंबर दो आपको सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट की अमाउंट और चीज़ें सेलेक्ट करनी है पीछे की अकाउंटिंग और रिकॉर्ड की ट्रैकिंग ये तमाम क्विक बुक्स खुद करेगा आपने ना ट्रैकिंग करनी है ना ही आपने कोई ना कोई पीछे जाके एंट्री करनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप क्विक बुक्स को बताते चले जाएंगे और ये सारी पीछे की ट्रांजेक्शन्स और ट्रैकिंग वो ऑटोमेटिकली खुद ही हैंडल कर लेगा सो नाउ यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ यूजिंग गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैंडल्स ऑल योर नीड्स एज फार एज अकाउंटिंग एंड बिजनेस डील्स आर कंसर्न जिस किस्म का बिजनेस होगा उसी नौीय की आपको ये अकाउंटिंग करके देगा और आपका रिकॉर्ड अपडेटेड रखेगा तो दैट्स ऑल फोर नाउ थैंक यू